हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेहला बर्ड्स वर्ल्ड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपके घर के जो बर्ड्स हैं वो भी हेल्दी एंड अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन सा एक्जोटिक फिंचेस के लिए मैं किस टाइप का केज साइज यूज़ करता हूँ ताकि उन लोग का हेल्थ भी अच्छा रहे, उन लोग का ब्रीडिंग भी अच्छा हो। तो यही सब रिलेटेड आज का टॉपिक है आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मीन्स बर्ड्स तो हम लोग पाल लेते हैं, बहुत सारा केज यूज़ करते हैं, किस टाइप का केज यूज़ करना चाहिए कौन सा बर्ड के लिए, वही हम लोग को फर्स्ट ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंगली केज प्रिपेयर करना है, फिर हम लोग को बर्ड्स रखना है। तो फ्रेंड्स, ये केज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बर्ड्स ब्रीडर के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही टॉपिक है आप लोग के साथ शेयर करना है। एज पर माई नॉलेज आप लोग को शेयर करूँगा कि किस टाइप का फिंच के लिए किस टाइप का केज साइज परफेक्ट होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उससे पहले जो कभी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो, प्लीज़ जाके एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पे और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बहुत सारा बर्ड्स रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ और इस पर नॉलेज एंड मज़ा दोनों होता है फ्रेंड्स। चलिए दिखाते हैं आप लोग को बर्ड्स रिलेटेड केज साइज। तो फ्रेंड्स, पहले मैं दिखाता हूँ कट थ्रोट फिंच। जी हाँ फ्रेंड्स, कट थ्रोट फिंच के लिए कौन सा केज टाइप चाहिए, ये आप लोग देख पा रहे हैं। कट थ्रोट फिंच का जो मेल है वो बाहर है और जो फीमेल है वो अंदर है, क्योंकि वो एक ले किया है, वो हैचिंग पे बैठा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा। फीमेल अगर बाहर आता है डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि उसका एक कल या परसों में शफल कर दूँगा बंगाली फिंचेस को। तो ये जो कट थ्रोट फिंच है फ्रेंड्स, ये बहुत फ्लाई करना पसंद करता है और बहुत ही शानदार एक बर्ड्स है। इसका जो मैं केज साइज प्रोवाइड किया हूँ फ्रेंड्स, ये है 2x1x1 मीन्स 2 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका केज साइज 2 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका हाइट जो है इसका मैं 1 फीट रखा हूँ, मगर जो ब्रेथ एंड जो लंबाई है इसका वो 2 फीट रखा हूँ, क्योंकि ताकि वो आराम से फ्लाई कर पाए फ्रेंड्स। ये परफेक्ट ब्रीडिंग केज होता है, ब्रीडिंग केज साइज होता है कट थ्रोट फिंचेस के लिए, एज पर माय ओपिनियन फ्रेंड्स। चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट फिंच, उसके लिए मैं कौन सा केज साइज प्रोवाइड किया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है लॉन्ग टेल फिंच। सभी को पता है ये फिंच बहुत ही शानदार है, सबको ये फिंच बहुत पसंद होता है। इसका जैसे नाम ही है लॉन्ग टेल, क्योंकि इसका जो टेल है ये बहुत ही लॉन्ग होता है दूसरा फिंच के माफे, तो इसीलिए हम लोग लॉन्ग टेल फिंच बोलते हैं इसको। और इसका जो केज साइज है फ्रेंड्स, परफेक्ट केज साइज वो है 2x2x1.5 फीट। जी हाँ फ्रेंड्स, दो डेढ़ ये है ये लॉन्ग टेल फिंच का ब्रीडिंग केज साइज फ्रेंड्स। जो इसका हाइट होगा 2 फीट और लंबाई होगा 2 फीट और जो ब्रेथ है जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट आप लोग दे सकते हैं। अगर 2 फीट देंगे 2x2x2 तब तो बहुत ही अच्छा है, मगर 2x2x1.5 में इसका बहुत अच्छा फ्लाइंग केज एवं इसके साथ ब्रीडिंग केज भी तैयार हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये ऑलरेडी ये भी एक ले कर चुका है। इसका फीमेल है जो ब्लैक में है और फॉन में जो है वो है मेल। इसमें से इसका जो फॉन है ये स्प्लिट लाइन का है, कभी कभी एक दो बच्चा मैं एल्बिनो भी इससे पाया था पिछले साल, तो देखते हैं इस बार भी क्या होता है, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट फिंच के पास फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी आते हैं सबसे प्यारा सब फिंच ग्रुप का, जितना भी फिंच ग्रुप है और जो कोई भी ब्रीडर्स फिंच के ऊपर काम करते हैं सबका प्यारा गोल्डियन फिंच फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, गोल्डन फिंच का जो केज साइज है वो भी है 2x2x1.5 फीट। जी हाँ फ्रेंड्स, लंबाई में 2 होना चाहिए और मीन्स हाइट में भी 2 होना चाहिए और जो ब्रेथ है उसको आप लोग 1.5 फीट रख सकते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये गोल्डन फिंच बहुत ही शानदार है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसका जो फीमेल है ये फुल्ली लोडेड है, एक एक को ऑलरेडी ले कर चुका है, बाकी लगता है कल भी एक दे देगा। मेरा ये जो गोल्डन फिंच है ये एक दिन छोड़ छोड़ के एक ले करता है, बाकी तो सब डेली बेसिस में एक ले करता है, मगर ये जो है एक दिन छोड़ के गैप दे के एक ले करता है ये वाला गोल्डन फिंच पेयर। तो फ्रेंड्स, इसका जो केज साइज है परफेक्ट ब्रीडिंग केज साइज वो है 2x1.5x2। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 होना चाहिए हाइट, 2 होना चाहिए लंबाई और 1.5 फीट होना चाहिए चौड़ाई फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स
सबका प्यारा बिचिनो फिंच, जिसको हम लोग कॉमनली जानते हैं आउल फिंच के नाम से। जी हाँ फ्रेंड्स, बिचिनो फिंच और आउल फिंच ये बहुत ही एक शानदार बर्ड्स है। जो कोई भी फिंच ग्रुप का बर्ड्स पालते हैं इसको तो बहुत सारा प्यार मिलता है ये बर्ड्स को, और ये बहुत ही डिमांडिंग बर्ड्स है फ्रेंड्स अभी तो। फ्रेंड्स, इसका जो केज साइज, ब्रीडिंग केज साइज परफेक्ट होता है वो है 2 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका परफेक्ट ब्रीडिंग केज साइज है 2 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट। तो फ्रेंड्स, यही था आज का जो टॉपिक, आप लोग के साथ कुछ एक्जॉटिक फिंचेस का केज साइज आप लोग के साथ शेयर करना था। और भी है स्टार फिंच, जैसे है डायमंड फिंच, ये सब का भी केज साइज मैं प्रोवाइड करूँगा, मगर दूसरा कोई वीडियो पे वो सब शेयर करूँगा। जो जंबो फिंचेस है, बंगालीज है, क्रेस्टेड है, ये सब का मैं कैसा केज साइज दिया हूँ वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और वंस अगेन, जो कोई भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो, प्लीज़ जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पे नॉलेज एंड मज़ा दोनों मिलता है फ्रेंड्स। थैंक यू।